दूध एक ऐसी वस्तु है जो चंद्र ग्रह की कारक वस्तु है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्याएं रहती है कि उनके मन में हमेशा ही घबराहट, चिंताएं इतनी ज्यादा बनी रहती है कि वे रात को सही से सो भी नहीं पाते हैं। कुछ कार्य करना तो दूर की बात है, बल्कि खाना खाना, पानी पीना, जो उनके नित्य प्रतिदिन के कार्य हैं, वो भी सही से नहीं कर पाते हैं। सोते समय उनके मन में इतनी घबराहट ऐसे होने लग जाती है कि बस पूरा दिन ऐसे सोचते रहते हैं कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए, और जितना भी वे प्रयास करते हैं इस परेशानी से निकलने के लिए, उतनी ही ज्यादा घबराहट, चिंताएं उनके मन में होने लग जाती है। और जब भी ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होता है तो ऐसा उसके जीवन में योग बनते हैं कि उसके कार्य ठप होने लग जाते हैं, जो उसकी धन की समस्याएं होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, जो धन के स्रोत होते हैं उनमें खराबी होने लग जाती है, शत्रु उसे परेशान करने लग जाते हैं, हर तरफ से कोई ना कोई उसके पीछे लग ही जाता है। ये भी आपको बता दें कि केवल उसी व्यक्ति के जीवन में धन आकर्षण होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में धन को चुंबक की तरह खींच पाता है, जो अपने मन से बिल्कुल शांत रहता है, या फिर जिसके मन में बिल्कुल भी घबराहट, चिंताएं, परेशानी नहीं होती है। और आजकल तो सभी लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है कि हमेशा ही परेशानी और चिंता उन्हें घेर कर रखती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह परेशानी होती है और किस प्रकार बड़ी आसानी से इस परेशानी से बाहर भी निकला जा सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि करना किस प्रकार है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर आपने ये भी देखा होगा कि भगवान शिव की फोटो में उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क चंद्रमा से जुड़ा हुआ रहता है। और जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति से उसके जीवन से सौंदर्य बिल्कुल गायब हो जाता है, आकर्षण, सम्मोहन उसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है, धन की समस्याएं तो उसे घेर ही लेती हैं, बल्कि शत्रुओं भी उस पर हावी पड़ जाते हैं। इसीलिए चंद्रमा बलवान होने से केवल मस्तिष्क बलवान होता है, और जब मस्तिष्क बलवान हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन हानि नहीं होती है, हमेशा ही धन आकर्षण होता रहता है। क्योंकि आप खुद इस बात को देखें कि अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो चाहे आप जीवन में कोई भी कार्य कर लें, जो आपका मनपसंद कार्य भी होगा, अगर उसे भी आप करेंगे जिस समय आपका मन शांत नहीं होता है, तो उस कार्य में भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति का मस्तिष्क शांत है, जिसके मन में बिल्कुल शांति है, घबराहट नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है वह पूर्ण रूप से सुख को ही भोगता है। क्योंकि यही चीज केवल सुख को आकर्षित करती है। जितना ज्यादा मन घबराहट में जाता है, जितनी ज्यादा चिंता उसे व्यक्ति को होती है, तो ये समझ लें कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख और परेशानी आने लग जाती है। और इसका सीधा कारण ये भी होता है कि काफी बार बुरे कर्मों की वजह से भी मन बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाता है, चिंताएं उसे घेर लेती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में कुछ हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि उनको सोचते सोचते मन बिल्कुल चिंता में, परेशानी में आ जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी ये परेशानी होती है तो आप समझ जाएं कि आपका चंद्रमा जो ग्रह है वह कमजोर पड़ गया है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं वे हर एक व्यक्ति के शरीर में वास भी करते हैं। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजों को आपको बताते हैं, इसीलिए आप इन्हें ध्यान से बिल्कुल सुना करें, जिससे सभी बातों को समझ सकें कि आखिर यह चीजें कार्य किस प्रकार करती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे, क्योंकि यह जानकारी आपको कोई भी अपने चैनल में नहीं बताएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि तंत्र में बताया गया है कि काफी लोग ऐसे समझते हैं कि आसमान में ही ग्रह वास करते हैं, लेकिन इस इंसान के शरीर में भी संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण ग्रह वास करते हैं। इसी वजह से उसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड की सभी चीजों से होता है, और जैसे ही उसके शरीर में कुछ चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, तो वहीं से उसके ग्रह भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आप ये सोचें कि जब सभी ग्रह नक्षत्र मिलकर कुछ खास समय पर कुछ योग बनाते हैं, तभी केवल एक इंसान का जन्म होता है, और उस योग में जितने भी ग्रहों ने, जितने भी नक्षत्रों ने मिलकर योग बनाया होता है, वही सब शक्तियां उस इंसान में मौजूद रहती है। यही कारण है कि कुंडली में नक्षत्र देख के किसी के भी हाव भाव का पता लगाया जा सकता है। इसी वजह से कुंडली को देखकर किसी भी इंसान के भविष्य का भी पता लग जाता है। ये बड़ी ही ज्यादा गहरी और रहस्यमयी बातें हैं।
जो आपको कोई भी अपने चैनल में नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में मालूम नहीं है। इस जानकारी को केवल वही बता सकता है जो तंत्र को भी जानता है और जो ज्योतिष को भी जानता है, क्योंकि जब सभी जानकारी एक व्यक्ति रखता है तभी उसे समझ में आता है कि किस प्रकार कौन कौन सी चीजें कार्य करती हैं, और यही हम अपने हर वीडियोस में भी आपको बताते रहते हैं। बस यही वजह है कि जब भी चंद्रमा ग्रह किसी व्यक्ति के यानी कि किसी इंसान के शरीर में खराब हो जाता है तो उसके मन में चिंताएं, घबराहट, परेशानी उसे इतनी प्रबल रूप से घेर लेती हैं कि वे चाह कर भी नहीं निकल पाता है। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल भी बुरा मत सोचो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी घबराहट मत करो, लेकिन जब चंद्रमा खराब जाता है तो चाहे वो व्यक्ति कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, वह चिंता से घबराहट से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे सरल प्रयोग तो ये है कि आप रोज रात को चंद्रमा पर तराटक करना शुरू करें। लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि चंद्रमा जो होता है वो चीजों को एम्पलीफाई करता है, यानी कि अगर आपके मन में चिंता या घबराहट है तो चंद्रमा को तराटक करने से वह चिंता घबराहट और भी अधिक बढ़ सकती है। इसीलिए केवल आपको चंद्रमा पर तराटक तभी करना है जब आपके मन में प्रसन्नता होती है, जिससे चंद्रमा उस प्रसन्नता को आपके शरीर में स्थायी रूप से वास कराता है और वही प्रसन्नता फिर आगे बढ़ती चली जाती है। अब आप ये भी देखें कि जो व्यक्ति 24 घंटे में पूरा दिन परेशान रहता है तो कभी ना कभी एक मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए ऐसा क्षण अवश्य ही आता है जिसमें वह अति प्रसन्नता को महसूस करता है। बस उसी समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको अति प्रसन्नता महसूस होती है उसी समय चंद्रमा पर तराटक करना है। और ये भी बात ध्यान रखें कि शाम ढलने के बाद अवश्य ही हर एक व्यक्ति को जो चिंता में घबराहट में होता है उसे यह अवसर निश्चित ही मिलता है, चाहे खाना खाने से पहले मिले, चाहे खाना खाने के बाद मिले, लेकिन उसे अवसर ये जरूर ही प्राप्त होता है। बस उसी अवसर का आपको लाभ उठाना है और चंद्रमा पर तराटक करके अपने मन को शांत कर लेना है। अब दूसरी चीज ये है कि काफी लोग ऐसा भी होते हैं कि बिल्कुल भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल कोई ना कोई परेशानी उनके मन में 24 घंटे ही चलती रहती है। धन की परेशानी हो या फिर कोई भी ऐसी परेशानी हो जो मन से बिल्कुल निकलती नहीं है, तो ऐसे में आपको करना केवल इतना है कि किसी भी मिट्टी के पात्र में दूध भर के आपको सोमवार के दिन रात को अपनी छत पर इसे ढककर रख देना है चंद्रमा की रोशनी में। अगर इस प्रकार पूर्णिमा के दिन कर लिया जाता है तो ज्यादा उत्तम है और खास है, क्योंकि पूर्णिमा पर करने से एक दिन का ही प्रयोग काफी रहता है। अगर आप वैसे ही करते हैं तो लगातार 11 दिन तक फिर आपको करना है, सोमवार से शुरू करना है। चंद्रमा की रोशनी में मिट्टी के पात्र में दूध भरकर रख देना है ढककर, जिससे कोई भी कीट पतंगे उसमें ना जा पाए। और सुबह उठकर बस इस दूध को गर्म करके इसमें एक उफान करके एक उबाल लाकर ब्रेकफास्ट में आपको पीना शुरू कर देना है। जब आप दिन को शुरू करते हैं बस इस प्रकार करने से जितने भी आपकी जो चिंताएं हैं, जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं या फिर धन की समस्याएं हैं, तो उन सब चीजों में राहत मिलती है। कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो आपकी चिंता को, घबराहट को, परेशानी को शांत करते हैं। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्या है तो इस प्रयोग को करने से उसमें भी लाभ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी काफी लोगों के पास हर एक चीज होती है लेकिन बिना किसी बात के ही उनके मन में चिंता घबराहट होती है, तो इस प्रयोग को करते ही उन्हें भी शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में बहुत ही ज्यादा उनका मन विचलित हुआ रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से करंट सा दौड़ रहा हो, और आजकल काफी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी होती है। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि इस प्रकार होता क्यों है और किस प्रकार बड़ी आसानी से इससे बच सकते हैं। अब तीसरी चीज ये है कि अगर शिवलिंग पर हर सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाए या किसी भी प्रकार का दूध आपको प्राप्त होता है वह दूध चढ़ाया जाए, तो इससे भी मन को शांति प्राप्त होती है और जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हैं उन सभी परेशानियों से निकलने के प्रबल योग बन जाते हैं। क्योंकि जैसे ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आप शुरू कर देते हैं वैसे ही संपूर्ण नौ ग्रह, सभी पितृ, सभी कुल देवी देवता आपकी मदद को भाग खड़े होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से फिर वे आपकी मदद करने को बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आपके जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं तो तुरंत ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आप शुरू कर दिया करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें क्योंकि सभी लोगों की ये परेशानी होती है, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें जिससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर मिला करे और कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।